नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है 9 पूर्व मध्य काल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी, और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्य को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाला, बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक के थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर अपना कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि को धारण किया? तो किसने धारण किया? नरसिंह वर्मन प्रथम, या इसे मामल भी कहते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? राजेंद्र। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? वो करवाया था राजराज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो आंसर आ जाएगा तंजोर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो आता है वो कौन है? दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कौन सा है? वो आता है महाबलीपुरम। होयसेल की राजधानी का नाम क्या था? देवगिरी। चोल राजाओं के ने किस धर्म को संरक्षण दिया प्रदान किया था? तो वो आ जाएगा शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेनाओं की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आएगा राजराजा प्रथम। रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर और मेघूति मंदिर एहोल का संबंध जो आता है वो किससे आता है? जैन धर्म से। एहोल का लाडघा मंदिर किस देवता को समर्पित है? वो आ जाता है सूर्य मंदिर को। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो वो हुआ था पल्लव वंश। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? चिदंबरम। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है तो आ जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है कहाँ पे? एलिफेंटा में पाई जाए। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों और रथ मंदिरों या सप्त पैगोड़ों का निर्माण जो आता है किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर और या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। गोपुरम यानी मुख्य द्वार के आरंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? वो मिलता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से तात्पर्य आता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी आती है? तो है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभ्यताओं के लिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो कृष्ण प्रथम ने। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सूची एक है, सूची दो से मिलान करना है, ठीक है? उरार किससे संबंधित है? उर ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा, सभा महासभा या पैरुंगरी की सभा। किससे? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम यानी ब्राह्मणों को में दिया गया गांव। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा। पूग शिल्पियों की सभा। तो इसके अंतर्गत पहला आंसर सही आता है। इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए बहुत